18,900 स्टॉक हैं क्या? हाँ, पूरी कंपनी खरीदने का मन था आपका धीरे धीरे करके? अच्छा, ये ट्रेडिंग के लिए लिया था या लॉन्ग टर्म के लिए, क्यों लिया था? ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हुआ है भाई आस्था। 18,900 सेल के स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लिए और सुशीला मैम ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 11 रुपए नीचे आ गया है। क्वांटिटी तगड़ी है तो इंपैक्ट भी तगड़ा आएगा, अब क्या करूं मैं? देखिए, ट्रेडिंग के लिए लिया था, मेरे हिसाब से अभी तो ये चार्ट्स पे अच्छा बन रहा है क्योंकि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस इसके ठीक ठाक निकले हैं और एक बहुत अच्छा लेवल है 84-85। अगर आज उसके ऊपर क्लोज कर देता है आने वाले दिनों में तो और अच्छी तेजी में ये स्टॉक आ जाएगा क्योंकि ये अपने सभी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी चल रहा है, सिर्फ एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को छोड़ दे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक में वापस से 90 के लेवल्स आने का, तो वेट करना बनता है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन रहेगा 76 का इनिशियल टारगेट रहेगा 100 के आसपास का, पहला तो 90 का ही है इनकी कॉस्ट प्राइस का, लेकिन रुकना चाहिए 100 से लेके 110 के। यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म टारगेट इसके लिए दे रही हूं क्योंकि यहां पे इन्होंने एक बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है तकरीबन 600 बिलियन के आसपास, तो उसके जो बेनिफिट्स आने लगेंगे वो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है स्टॉक की प्राइसेस को और ज्यादा ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। तो मैम, ये ट्रेडिंग कॉल को अगर आप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर ले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, और नहीं भी करेंगे तो स्टॉप लॉस 76 के साथ तो अभी पोजीशन को होल्ड करिए, आपकी कॉस्ट प्राइस हमें देखने को मिलेगी।